इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उतरने वाले जल्दी से आगे आ जाओ, जल्दी से। टिकट कोई बाकी? एक टिकट दो। हाँ बोलो, साइड दो। चलो जल्दी से बोलो, टिकट। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, जल्दी से चढ़ो, चलो आओ जल्दी से। कंडक्टर, ब्रिज आया क्या? ब्रिज आएगा तो बता दूंगा। आगे बोलो। कैसे लोग हैं जिन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहता कि महिला सीट पर बैठे हैं, अब ये बेचारी कैसे सफर करे? ओ भाई साहब, ये महिला सीट है, इन्हें बैठने दीजिए। लेडीज सीट खाली करो जल्दी से। चलो दोनों पीछे जाओ। हाँ आप लोग बैठो। और कोई बाकी टिकट? ओ भाई साहब, ले जाएगा तो बताना। हाँ हाँ हाँ, और कोई बाकी यहाँ पे? कहाँ जाना है? एक शास्त्री नगर। तुझे क्या तकलीफ है, चुप रहना। तो होशियार बनेगा ना तो यही नामर्द बना देगा। चल पीछे चल, पीछे तब बाद में देखूंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनिल वर्मा, कुमार अनिल वर्मा। बाकी पैसा देता हूँ। कंडक्टर साहब, ब्रिज आएगा तो बताइएगा। मैं इधर नया हूँ। कहाँ से आए हो? महादेवपुर से। तो ब्रिज के पास कौन रहता है? मेरे जीजा, वहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर है। पेट्रोल पंप के बाजू वाला ढाबा भी जीजा जी ही चलाते हैं, उसके पीछे ही वो रहते हैं। बहुत साल हो गए उनसे मिले हुए। अचानक ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुझे बुलाया था, तो मना कैसे करता। भाई साहब, ब्रिज आया क्या? ब्रिज तो गया। टिकट? क्या कह रहे हो? हाँ ब्रिज गया, अगले स्टॉप पे उतर जाना। गाड़ी रोको, बताया था ना मुझे ब्रिज उतरना है। मुसीबत है, उतरने का, जल्दी से उतरो, पीछे के रास्ते से चले जाना वहाँ पे। समझ क्या रखा है तूने? मैं अलीबाग से आया हूँ। गाड़ी पीछे रिवर्स कर, पीछे ले चल। अरे पीछे ले, रे तेरा भी लेगा। रिवर्स कर। कितना लीटर? टंकी फुल कर दे, तब तक तुम्हें देखते रहने का मौका तो मिलेगा। बोल कितना दूं? हेलो, 3,000। ओ oh, 30,000 रुपए और दे दूं क्या? क्या कहती हो?
फालतू बकवास मत करो है? समझ क्या रखा है मुझे? अरे क्या गुस्सा क्यों हो रही हो? बातें करोगे ना तो दांत तोड़ के रख दूंगी। अरे ये तो एक लेन देन है, देख मेरे पास जितना पैसा है सब दे दूंगा। किसी और को दे हाँ? देखो मैं अपने वादे से फिरता नहीं। बोलिए कभी से बात करो, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ दीदी? अरे वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, जरा देख कर तो आओ। ये तो रोज की बीमारी है, आप अंदर जाओ मैं देखता हूँ। क्या हुआ? एक ही बात कह रहा हूँ, ये फालतू बातें कर रहा है। अरे मैं काम की बात कर रहा हूँ। इज्जत से यहाँ से निकल जा, नहीं तो जिंदगी भर अफसोस करेगा, समझा? क्या कर लेगा मैं? तो ऐसे ही बोल रहा था भाई साहब, ये लीजिए इससे मुझे मारिए। दोबारा अनिल वर्मा को याद रखना। मुझे मारे बगैर तुम तक नहीं पहुंच सकता, समझा? कौन है तू? मैं एक गरीब नौकर हूँ, पेट पालने के लिए शेखर भैया के ढाबे पे काम करता हूँ मैं। तो लफड़ा क्यों कर रहा है? नहीं कोई लफड़ा नहीं है, उसे देखिए वो कह रहा है उसे पेट्रोल नहीं कुछ और चाहिए। कौन है तू? तू कौन है बे? बताऊँ मैं तुझे कौन हूँ मैं? चल बैठ गाड़ी में, चल निकल, हट गया, चल निकल यहाँ से। लड़कियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता मैं। ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा नाम क्या है? रमा। रमा रेशमा, अच्छा नाम है। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। तुलसी, ये भी अच्छा है। शादीशुदा हो? नहीं। कब तक ऐसे कुंवारी रहोगी? शादी करके घर बसाने के इरादा नहीं है क्या? हेलो आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। अनिल वर्मा है? कुमार अनिल वर्मा। छुटकी बहन। छुटकी? अनिल भैया कैसी हो छुटकी? क्या कहा छुटकी? क्यों दीदी? बड़ी माँ के बेटे, इसकी शादी हो जाए इसके बच्चे हो जाएं फिर भी मेरे लिए छोटी बहन छुटकी रहेगी ना। तो अब समझा मैं कि तुम कौन हो। गुड़िया कहाँ है? स्कूल जाने की तैयारी हो रही, अंदर चलिए आइए ना। जरा सुनो तुम, तुम्हारी सेहत बहुत ज्यादा गिर गई है, थोड़ा पौष्टिक आहार खाया करो ना। लगता है बहुत दिनों के बाद अपनी बहन को देख रहे हो। आपकी शादी हो गई क्या? पहली वाली चल बसी, ओ दूसरी करनी है करनी है, इसी में उलझा हुआ हूँ। अरे बेचारा, लगता है मम्मी रिक्शा आ गया। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है। मेरी गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दुर्गा। हिम्मत वाली, थैंक यू। रिक्शा आ गई, चलो चलो चलो। सुनो शाम को ऑटो मत लाना, इसके पापा ले आएंगे। ठीक है बहन जी। सुन इधर आ। जी भैया। नाम क्या है तेरा? प्रहलाद। बच्ची को संभाल कर लेकर जाना, समझ गया? अरे चल निकल। ऐसी क्या गलती कर दी उसने? गलती ना करने के लिए था, गलती करने के बाद मारने से क्या फायदा। ये पार्टी मेरे काम के लायक ही है। क्या बोला तू? भैया चलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग चाय पिलाता हूं। अनिल चाय नहीं पीता, मलाई वाला दूध पीता है रम मिलाकर। सुन छुटकी, पूरा शरीर दुख रहा है मेरा, जरा पानी गर्म कर दे, नहाना है मुझे। इतने सालों से अनिल भैया का आता पता ही नहीं था, शेखर तो इसे इतनी नफरत करते हैं कि गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। भैया यहाँ क्यों रुके? मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, आज उसके स्कूल का वार्षिक उत्सव है, प्रोग्राम है, इसलिए उसे लेने आया हूँ मैं। संगीत के प्रोग्राम में पहला स्थान जिसे मिला है उसका नाम है दुर्गा, जिसने सबका मन मोह लिया। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे आज के माननीय अतिथि आदरणीय तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी महेंद्र वर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती विद्या लक्ष्मी जी, कृपया स्टेज पर आइए। थैंक यू।
कंग्रेचुलेशन. थैंक यू मैम. वेरी थैंक यू. बहुत सुरीली. तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? पापा ने. वो यहीं पर है. कहाँ पे? अभी तो यहीं पर थे. ओ कोई बात नहीं. अच्छा बाय बाय. श्रीलता पापा. ये देखो ये मुझे मिला है. लोड खाली करो. हाँ. मौसी जी, जी ये बाहर कितना कूड़ा और कचरा बिखरा पड़ा. इन्हें साफ करवा देती. सिर्फ खाना पका कर देना ही काफी नहीं होता. आसपास के एरिया में साफ सफाई होगी तो लोगों को अच्छा लगेगा. समझ गई? हाँ हाँ. इतनी बार कहा कि यहाँ पोस्टर वगैरह मत लगवाओ पर कोई मानता ही नहीं है. वो केदार कहाँ चला गया? लगता है कहीं बाहर गया है. मम्मी ये दोनों मुझे मिले. ओ मेरा बेटा वेरी गुड. जरा मेरा टॉवल दे देना, मैं नहाने जा रहा हूँ. अनिल भैया आए हैं. अनिल भैया इसलिए आए? पता नहीं, कह रहे थे जीजा जी ने बुलाया है. जीजू ने? कौन जीजू? मुझे तो उसकी सूरत देखते ही चिढ़ आती है. कोई पुलिस केस हुआ होगा या फिर पैसों की जरूरत होगी. देखना. दुर्गा बहुत ही नाराज है. क्यों? उसने आपको स्टेज से देखा और आप स्टेज पे गए नहीं. अब मैं वहाँ अचानक स्टेज पर कैसे चला जाता? लोगों को बुरा लग सकता था ना. तुम हमेशा अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो शेखर? इतना कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं है. बच्ची वहाँ पर है, उसे खाना दे दो. अभी देती हूँ. राधा. वो क्या है कि बच्ची को प्राइज देने के लिए अतिथि बनकर जो वीआईपी आई थी वो हमारे गांव की विद्या लक्ष्मी थी. मेरे माता पिता के देहांत के बाद मैं उन्हीं के घर पर पला बढ़ा. हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे. हम दोनों सगे भाई बहन की तरह थे. एक पाक रिश्ता था हमारे बीच, मगर गांव वालों ने इस रिश्ते को बदनाम किया. तोहमत लगाई हम पर और घर वालों ने विद्या पर पाबंदियां लगाई. स्कूल जाना बंद करवाया. फिर हमें लगा यहाँ रहना ठीक नहीं, हम कहीं और चले गए. फिर मैं विद्या लक्ष्मी से कभी नहीं मिला, लेकिन आज मैंने उसे देखा. उसे देखते ही मैंने उसे फौरन पहचान लिया, इसीलिए मैं वहां नहीं गया. मैंने तुमसे पूछा इसीलिए तुम्हें बुरा लगा ना? अरे नहीं. सबका खाना तैयार हो गया है. नजर मत चुराइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. हर काम के लिए एक वक्त होता है, समझे? ये पराठा और चिकन लीजिए. ये लीजिए, 6 पराठा और 1 चिकन. ओके. स्टॉप स्टॉप, ये रोक दो. भाई साहब मेरे पैसे. कितना हुआ? 100 रुपए. किधर? मेरे पास 500 का नोट है. 400 रुपए वापस दे. हाँ. 1, 2, 3, 4. ठीक है जा. अरे भाई साहब भाड़ा. क्या? ऑटो का भाड़ा. तेरे ऑटो का भाड़ा हुआ 100 रुपए. इसने 500 दिया. 500 दिया और 400 तूने मुझे वापस दिया, तो अभी बाकी क्या है? चलेगा हिसाब बराबर हुआ ना? फिर क्या बोलता है? हिसाब नहीं आता क्या तुझे? 100 रुपए भाड़ा, उसने 500 रुपए दिए, 400 रुपए मैंने वापस दिए. बिल्कुल सही है यार, बेकार में दिमाग खराब कर रहा है. ये लीजिए. अरे मालिक. केदार कहाँ गया था तू? वो क्या है कि भाई साहब को घुमाने गया था. कल से काम पे आने की जरूरत है. ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं भूखा मर जाऊंगा, समझा कीजिए मालिक. तो रो, तुम ठीक ठाक बात कर लेते हो इसलिए तुम्हें रखा हुआ.
लेकिन जरूरत के वक्त तुम मौजूद नहीं रहोगे तो तुम्हारे होने का फायदा क्या? देखो बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब जमाया है, मुझे परेशान मत। ये तो वही बात हुई कि नींद से उठा कर लाया और खाना भी नहीं दिए, तो फिर मुझे बुलाई क्यों? किसने बुलाया? आप ही ने तो लिखी थी वो चिट्ठी। कौन सी चिट्ठी? वो चिट्ठी, ये लो पढ़कर देखो। प्यारे साले साहब, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आशा करता हूँ वहाँ सब कुशल होंगे। यहाँ बहुत ही आवश्यक काम है, आप तुरंत आ जाइए। मुझे एक प्रोसेशन प्रोटेक्शन मालिक, ठीक से पढ़िए। प्यारे साले साहब, आपका जीजा, ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी और ये मेरे हैंड राइटिंग नहीं। मुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता। अब आगे है तो कुछ दिन रहने दीजिए मालिक, नागपंचमी के त्योहार के दिन मेरा कुछ प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम देख लो उसके बाद जाना आराम से, ठीक है मालिक? क्या कहा? प्रोटेक्शन, अपने प्रोग्राम के लिए प्रोटेक्शन। सच बता, ये चिट्ठी तूने ही लिखी है ना? मैंने लिखी है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं जहां भी प्रोग्राम करता हूं हमेशा मार खा के लौटता हूं। अब मार खाऊंगा तो मर जाऊंगा मालिक, इसीलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए गुंडे की जरूरत थी। तभी मौसी जी से मुझे पता चला कि दीदी के परिवार में एक बहुत ही मजबूत गुंडा है। जब अपने ही परिवार में इतना बड़ा गुंडा है तो बाहर से गुंडा हायर करने की क्या जरूरत थी, इसीलिए चिट्ठी लिखी। मारिएगा मत, माफ कर दीजिए, मुझे दुखेगा। अब कुछ दिनों के लिए जेब खर्च की चिंता नहीं। वो कैसे? सोच रहा था कि जीजा जी से काम के पैसे कैसे मांगूंगा। ये सही बात है, अब कोई चिंता नहीं, पैसे तो तू देगा ना। मैं? दो मसाला डोसा बनाओ। जीजा जी, मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगा, हमें इस ढाबे को और अच्छा बनाना है, लेकिन ऐसे बुढ़ियों को यहाँ से निकालना होगा। चल, चुप। कौन है यहाँ बूढ़ी? तू कौन सा जवान है? बड़ा या मौसी बोलने वाला? आप वहाँ पर चली। आजकल के मर्दों से ज्यादा काम करने की हिम्मत है मुझे। इस बुढ़िया को यहाँ रसोई से निकाल कर बाहर हाथ धुलाने के लिए खड़ा करेंगे तो यहाँ आने वाले सभी लोग खुश हो जाएंगे, सही है ना? अनिल भैया, आप चाहते क्या है? मैं जरा कुछ चटपटा खाना चाहता हूँ। जीजू, उससे डर कर अंदर छुप गया क्या? राधा, अपने भाई से को अपना मुंह बंद रखे वरना अपना असली रूप दिखाऊंगा, बेकार में बकबक कर रहा है। अरे रुकिए, क्या है आपका असली रूप? हाँ, आज तक आपने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है और अनिल भैया को अपना असली रूप दिखाने की बात कर रही है। चल। मासी आप सो जाइए। ठीक है। गुड़िया सो गई क्या? सो गई। बदमाश कहीं की। पापा कहाँ है? पापा को होटल बंद करना है। स्वामी को श्लोक सुनाकर सुला दिया और आज का हिसाब पूरा करके टेबल पर रख दिया है। अब मैं जाऊं क्या? रात को रिहर्सल है मालिक। सुबह जल्दी आना, देर मत करना। जी। खाने में क्या है? अरे साहब, होटल तो बंद हो चुका है। बाहर डीएसपी साहब बैठे हैं। ना मत बोल। चपाती और चिकन करी बना कर दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ चलेगा, ज्यादा लेट मत करना। राधा, दो सोडा ले रहा हूँ। जी राधा। जी। जरा आटा लेकर आना। हाँ। सर खाना तैयार है। काम वाले सब चले गए, आप हैं इसलिए मैंने। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? ये मेरी घरवाली। अरे जरा रुको तो ना, हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं। तुम कहां की रहने वाली हो? चित्तौड़। ओ चित्तौड़, चित्तौड़ गांव की रहने वाली हो, अब समझ में आया। तुम वो पीपल के पास रहने वाले गंगाधर की बेटी हो ना? राधा, तेरा बाप मर गया क्या? सर, बहुत बढ़िया चल रहा होगा तेरा ये बिजनेस। कितने साल से यहाँ सेटल हो? 6 साल हो गए सर। तेरे भाई अनिल के बारे में कोई खबर है क्या तुझे? नहीं। तो जानती है अभी वो कहां पर है? सर जी देखिए, मेरे सामने से हट जा। वो फाइल मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया है।
तो उससे अगर उसी दिन अच्छी तरह से इंक्वायरी कर ली होती तो वो फाइल क्लोज हो जाती। सुनो, इसका बाप है ना वो गंगाधर, अपनी राजनीति की पहुंच का इस्तेमाल करके केस को दबाने में कामयाब हो गया था। सर जी, भगवान के लिए हमें परेशान मत कीजिए। क्या तू जानता है इसका खानदान कितना महान है? पता है सर, आप इसके भाई को पकड़ने के लिए इसके घर आकर इनको परेशान करते थे, तभी हमारी शादी हुई थी। सर आप हमें भी उसी तरह परेशान करेंगे तो ऊपर तक जाकर आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। चुप रास्कल, मुझे डरा रहा है? किसकी और कहां शिकायत करेगा तू? हाथ मत लगाना उन्हें। हाथ लगाए तो क्या कर लेगा? हाथ लगाए तो काट कर रख दूंगा। जाओ ने। चुप रहिए। मेरी बहन को शराब पीकर छेड़ रहा था, अगर ये शिकायत कर दी ना तो वर्दी उतर जाएगी, इसीलिए औकात में रहे। सर सर मेरी बात तो सुनिए। चिंका है तू? काट कर तुझे गधों को नहीं खिलाया तो मेरा नाम बदल देना। पुलिस वालों से उलझता है, छोड़ूंगा नहीं। अनिल तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जो मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये पुलिस वाला इतनी देर जिंदा नहीं रहता। ए छुटकी, तेरा ये पति तो औरतों से भी ज्यादा गया गुजरा है, अपने घर की इज्जत भी नहीं बचा सकता। ये तो वाकई सरदर्द हो गया। मानता हूं अनिल ने हमारी फेवर की, लेकिन अफसोस है कि वो पुलिस से उलझा। उसके लिए तुम क्यों रो रही है? तुम जिंदगी में हमेशा आंसू बहाती आ रही। हमारे परिवार में क्रिमिनल पैदा हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती है? जो होगा देखा जाएगा, परेशान मत हो। एक बोरी गेहूं। एक बोरी गेहूं। मूंगली को 5 किलो। 5 किलो। गीला नारियल 15 किलो। 15 किलो। चौली 15 किलो। 15 किलो। पोहा 5 किलो। 5 किलो। और बोलिए क्या? अरे गधे, ये क्या लिखा तूने? शेखर, बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही। दिखाई नहीं दे रही, पारो के साथ कहीं खेल रही होगी। वो पारो के साथ नहीं है, मैं देख कर आ रही हूँ। कहाँ चली गई वो? तो फिर कहाँ गई होगी? बुढ़िया, धमाल के उतरना बेटा। मम्मी, हम लोग जरा घूमने के लिए गए थे जीजू, गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन चाबी तो मेरे पास है। बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने में माहिर हूँ मैं। इसका मतलब तुम गाड़ी उड़ाने का भी काम करते हो? नहीं नहीं, 3 साल हो गए उस काम को छोड़े। अच्छा? मेरी गुड़िया बहुत होशियार है। आप चुप क्यों हो जीजू? गाली देना है तो दे दो। अगर मैं पहले वाला अनिल होता तो गाड़ी लेकर कब का भाग गया होता। चल गाड़ी में बैठ। कहाँ चलना जीजू? बाजार जाना है। गाड़ी मैं चलाऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी चलाते कैसे। क्या बढ़िया माल है। सच में कितना बढ़िया माल। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा माल होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना। आलो जल्दी पैक करो भाई। सुधाकर, हाँ? ये सामान जल्दी निकालो। वो लिस्ट दीजिए। किधर लिस्ट दो? हाँ जी। अनिल भैया कहाँ गए? वो उसके पीछे गया होगा, हमारा आदमी है। जल्दी दे दो जी। पिछली बार जो ले गया था वो खराब था, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए छोटे। पिछले बार जो दिया था साहब, पिछले बार से इस बार बहुत अच्छा है साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो। हाँ ठीक है सर। इस बाजार में सारे बाहर के लोग हैं, काम करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ के मालिक बन जाते हैं। देखो ये मुल्क सभी का है, कोई कहीं भी आ जा सकता है और कारोबार कर सकता है। ऐसा मालिक? हाँ बिल्कुल। ब्रिज पेट्रोल पंप का मैनेजर तू ही है ना? जी हाँ, कहिए। वहाँ काम करने वाली लड़की से हंसी मजाक कर लिया तो गुंडों से पिटवाया मुझे। समझा नहीं। ये मामला उस समय का है जब अनिल गांव से आया था। आप मेरे साले अनिल से पूछिए। अब पूछना नहीं है साहब। अनिल के साथ जो लफड़ा है अनिल के साथ ही खत्म करना पड़ेगा। कैसे? देरी तो। सुधाकर जरा जल्दी करो। अच्छा जी भैया। तुम क्या देख रहे हो? इन्हें नहीं छुड़ाएंगे तो खून खराब हो सकता है। उनके लफड़े को उन्हीं को निपटने दो। तुम लिस्ट में देखो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जी भैया। अरे जीजू, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हैं?
मैंने आपकी वजह से तो पंगा लिया। मैंने किसी को पंगा करने को नहीं कहा था, जिसने शुरू किया वही खत्म करे तो अच्छा है। ये तो साल भर का राशन लग रहा है। ये हमारा चार दिन का राशन पानी है। जाने और आने की गाड़ियां जब आती हैं तो हमारे ढाबे में जगह नहीं मिलती, और जब भी सिकंदर भाई की लॉरी आती है ना तो फिर नाच गाना धमाल, पूछो मत भाई। कन कन कना कन चम 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 चमा चम चल 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 के मस्ती नाउ, दम 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 धमा दम मिल गए हम धना दम, जम 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 के जुमो गाओ, आओ करे कोई हंगामा, ये रात थोड़ी दीवानी है, इसमें छुपा लाइफ का ड्रामा और दोस्ती की कहानी है। अरे जी लो उनके यहाँ कल का, किसको पता यारी की यही निशानी है। कन 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 कना कन चम 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 चमा चम चल 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 के मस्ती नाउ, दम 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 धमा दम मिल गए हम धना धन, जम 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 के झूमो गाओ। मुझको तू अंग लगा ले, डन 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 राजा पास मेरे आ भी जा, दिल 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 मेरा आ आ प्यार लुटा लूं, आ जा बाहों में आ भी जा। महफिल के रंग में रंग लो जरा, देखो समा है यहाँ खुशियों भरा, हा 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 हा, दो जाम लो करो फिट मामला, देखो कमाल फिर होता है क्या, हम सा यार कहाँ गुल गुलजार कहाँ, दिलों की हम भी तो है राजा। हाँ कन 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 कना कन चम 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 चमा चम चल 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 के मस्ती नाउ, दम 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 धमा दम मिल गए हम धना दम, जम 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 के झूमो गाओ। जीना उसी का जीना है ये, गैरों की खातिर जो है जिया, खुशियों को अपनी बांटे जो, गैरों का गम भी जिसने लिया, जिसमें सबकी खुशी वो ही काम करो, दिल ना तोड़ो तुम किसी का, मन मन जो भी चाहे साथी वो ही करो, जी लो यार तुम जी भर के, चल चल चलते रहो राह में तुम, नरको जीवन है लड़ाई तुम जीतो। लो खत्म, लास्ट पैग है, दोनों आधी आधी पियेंगे। ये लो पहले तुम डकारो। वो कौन है? वो सिकंदर भाई और हमारे मालिक।
वो दोनों उधर क्या कर रहे हैं? उन दोनों की दोस्ती भी ना अजीब सी है। हमारे मालिक गांव की भाषा बोलते हैं और सिकंदर भाई मुंबईया लैंग्वेज। एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। इनका ऐसे ही चलता है। फंस गया। दरअसल इसे कहते हैं असली दोस्ती। सिकंदर भाई भी शरीफ आदमी है, वो बेचारे गाड़ी चलाते हैं। भगवान इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही रखे। बुढ़िया सो गई? हाँ, कब की सो गई, खाना भी खा लिया। अरे ये क्या कर दिया भाई? साले कहाँ कहाँ देखता है, गाड़ी चल रहा है, दिखता नहीं है क्या? अरे बात दिखने की नहीं है भाई साहब, गाड़ी है, रास्ते पर चलेगी तो कहीं ना कहीं तो टकरा भी सकती है ना भाई। पर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, सब सॉल्व हो जाएगा। ए कैसे सॉल्व करेगा, ए तेरा जैसा छोटा गाड़ी नहीं है, लैंड क्रूजर है, लैंड क्रूजर। अरे लैंड क्रूजर हो या सी क्रूजर हो यार, बात होती है गाड़ी चलाने की। गाड़ी ठीक से चलाते तो टक्कर नहीं होती, समझे? अनिल को बीच में जाना पड़ेगा क्या? हाँ जाना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा गाड़ी रिवर्स हो रहा था, तुमको दिखता नहीं क्या? अंधे, गाड़ी का नंबर नोट करो और पुलिस को बुलाओ। दो दिन जेल में रहेंगे तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे भाई पुलिस की क्या जरूरत है भाई, अरे गाड़ियां आपस में लगी हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ? अरे साले, लगता है जंग शुरू हो गई। ए सिकंदर भाई को हाथ पकड़ना। क्या हुआ, क्या हो रहा है वहां? अनिल भाई आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं? ये तूने क्या कर दिया? यहां से 10 किलोमीटर दूर है, थोड़ा हेल्प करो, जल्दी आओ जल्दी। वाकई आप मर्द हो। अनिल तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, ये उन दोनों का प्रॉब्लम था, आपस में सुलझा लेते। इसमें मैंने गलत क्या किया? सिकंदर भाई मेरा नहीं, आपका दोस्त है। कुछ भी हो, पुलिस केस तो होगा ही, अगर वो मर गया तो मर्डर केस होगा। इसका सबूत क्या है कि मैंने मारा उसे? मैंने नहीं देखा क्या? मैं हूँ उसका गवाह, मैं सच ही कहूंगा। अरे कैसे इंसान हो आप? कहाँ जा रहा है, पीने? कहीं नहीं जा रहा मैं, ये लफड़ा मैंने किया है ना, तो मैं इसे खत्म करके ही जाऊंगा। किधर, सुनो जी, सिकंदर भाई को जाने के लिए कहो, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। अच्छा जी सिकंदर भाई, क्या हुआ जी? इंसान का जीना हराम करने के लिए तुम्हारे और कितने रिश्तेदार हैं? सुनिए, सुन छुटकी। अरे कौन से जंगल से पकड़ कर लाई है तू इसे? मर्द के नाम पर कलंक है। मेरे प्यारे जीजू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बरसों में जेल की हवा खा चुका हूँ, अब मैं वहाँ जाकर और नहीं सड़ना चाहता। मुझसे ज़रा भी प्यार है तो मेरा गुनाह तुम अपने सिर पर लेकर मेरा साथ दो। तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह और तुम्हारी बीवी को अपनी सगी बहन की तरह मानता हूँ। तुम सभी लोग मेरे दिल में थे और हमेशा रहोगे। पुलिस का लफड़ा खत्म होने के बाद मैं वापस लौट आऊँगा। आपका साला अनिल वर्मा। कल रात जिसे मैंने मारा था फिर से आया है, जल्दी आओ, आओ। वो देखो, वही है ना जीजू, वो मरा नहीं है। अरे ये तो किसी और को भी साथ में लाया। लोग यहाँ क्यों आए होंगे? बदला लेने के लिए। जिस तरीके से उंगली दिखाकर इशारा कर रहा था, मतलब पुलिस में शिकायत नहीं की है।
वैसे ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं, होशियार रहना होगा इनसे। जीजू, जीजू, इरादा नेक है, सारा इल्जाम मेरे सर पे मढ़ के खुद भागने की तैयारी में था। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको अप्रैल फूल बना रहा था। सच में? वो भी सितंबर में। क्या हो रहा है जी? तुम्हारा भाई मेरी गर्दन फंसाना चाहता है। अरे तू सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रहा था जीजू से। ये दुनिया गोल गोल है। ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ये सब काम आता है? आता तो है, लेकिन गाय भैंसों की दुलत्ती से मुझे डर लगता है, इसी की वजह से मैं इस काम में हाथ नहीं डालता। हाय नाना जी। नाना जी। कौन है ये? नाना की प्यारी लाडली। नाना जी ने अपनी लाडली के लिए तोहफा लाया है, ये लो। चॉकलेट? शेखर सुनिए, नाना जी आए हैं। मौसा जी, जीजू सफेद शर्ट मिलेगी? अलमारी में ले लो। शर्ट मिली? हाँ मिल गई। धोती है क्या जीजू? वो देखो वहां सूख रही। अरे नाना जी, केदार ये जीप में जो सामान है उसे अंदर। नाना जी मैं जाती हूं। अरे संभल के भागो मत। टाटा। अरे ढेर सारा सामान ले आए। ये हमारे ही बाग के केले हैं, इसे पका कर खाना। पैर लागू मौसा जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? काशी दर्शन के लिए जा रहा हूँ मौसा जी। काशी जा रहा है? काशी से तो हमारा सदा के लिए रिश्ता जुड़ा है ना। मौसी जी की अस्थियों को मैंने वहाँ विसर्जन करने के लिए सोचा था, लेकिन उस समय तो किस्मत ही खराब थी मेरी। क्या गुड़िया, केदार मैं सहायता करूं क्या? ये यहाँ कब आया? पूरा एक हफ्ता हो गया। मेरा लड़का इसी की सोहबत में रहकर बिगड़ गया है। मौसा जी मैं पहले वाला अनिल नहीं रहा। मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है। मौसा जी एक डकैत ही आगे चलकर वाल्मीकि बनाना, उसी ने राम सीता की कहानी रामायण में लिखी की नहीं? काली भी किसी से कुछ कम नहीं थे, लेकिन जब दास बने तो कितने मशहूर हुए वो। उसी तरह मैं भी वो अनिल नहीं रहा, कुमार अनिल हो गया हूँ। बम भोले शिव शंभु। सच में तू बहुत बदल गया है अनिल। हाँ अब तो आपको विश्वास हो गया ना मौसा जी कि मैं वो पहले वाला अनिल बिल्कुल नहीं रहा। हाँ? इसके अंदर सचमुच ऐसा बदलाव आया है क्या? नाना जी आप यहाँ कुछ दिन रहकर ही जाएंगे ना? हाँ यही इरादा है, यहाँ का हिसाब किताब देख कर ही जाऊंगा। नाग की शक्ति और नाग देवता की मणि की चमक से ही इस गांव को नाग पंचमी गांव के नाम से जाना जाता है, और आज नाग पंचमी का उत्सव है, और इस खुशी के अवसर पर मैं आपके सामने प्रोग्राम करूंगा। कुछ फिल्मी कलाकारों को आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल जी को, आइए देखते हैं उनकी एक झलक। थैंक यू। और अब हमारे फिल्म जगत के सुपरस्टार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, मेगा स्टार ममूटी। अब देखिए उनकी एक झलक। किसी ने छूछा किया तो ना जिस्म रहेगा ना खोपड़ी, समझ गया ना? ममूटी का नाम तो सुना ही होगा। थैंक यू। अब आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के कविराज कहलाने वाले जय। थैंक यू। अब आ रहे हैं हमारे फिल्म के कॉमेडी स्टार मिस्टर जगदीश।
आप देखिए उनकी एक झलक। जीजा, क्या है? हमने जिसको पीटा था वो आया है। हमने? हाँ, वो देखो, जान बचानी तो भागो यहाँ से। अब आ रहे हैं सुल्तान सलमान। मार रहे हैं आप लोग? जो भी प्रॉब्लम है हम बातचीत से सुलझा सकते हैं। अरे रुको, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? फंक्शन को बीच में छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम लोग चाय पीने गए थे। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? शेखर कुछ न कुछ तो लफड़ा है, सोचा तुम्हारे आने के बाद अंदर जाएंगे। दरवाजे की कड़ी टूटी हुई है, लगता है कोई अंदर घुस गया है। ये किसका काम हो सकता है? ये चोरों का ही काम होगा, अक्सर इस तरह कुंडी तोड़कर चोरी करते हैं। शेखर संभाल के जाना। यहाँ रखा हुआ पैसा गायब है, पंप का पैसा था। अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? भरोसा हो गया ना, घर में चोरी हुई है। ये लो, वहाँ से निकाल कर चावल के डिब्बे में रख दिए थे मैंने। चावल के डिब्बे में? चोर का बाप भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। क्या दिमाग पाया है छुटकी ने। लगता है किसी ने घर की तलाशी ली। सही है, कुछ भी हो कल हमें पुलिस में कम्प्लेन लिखवानी चाहिए। सही है, सही है। क्या, किस लिए? जब हमारा कुछ चोरी नहीं हुआ तो फिर पुलिस स्टेशन किस लिए? चोर नहीं मिला तो कम्प्लेंट वाले को ही चोर बनाकर अंदर डाल देते हैं पुलिस वाले। जो भी हो सुबह होने दीजिए, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ। किस्मत अच्छी है जो 32 दांत मिले हैं, वरना मसूड़ा ही छिल जाता। वो देखो पुलिस की गाड़ी आकर रुकी है। देखो उनके इधर आने से पहले मैं भाग जाऊंगा, तुमको भी साथ भागना है तो आ जाना। मेरे साथ मैं क्यों भागू? लो कर लो बात, कल हम दोनों के लफड़े में एक आदमी लुटका था कि नहीं? क्या कहा, हम लोग दोनों? लो, पुलिस। पकड़ो उसको। वो किस लिए भागा? पता नहीं सर। भागकर कहाँ गया? मैं नहीं जानता। पता सर। नहीं है। हम लोग सोच ही रहे थे आपके पास आकर कंप्लेन लिखवाने के लिए। गंगाधर, तुम यहाँ पर हो? ओ, अपनी बेटी का हालचाल पूछने आए हो? तो फिर वो कहाँ है? लगता है एक बार फिर हमें मिलना पड़ेगा। क्यों गंगाधर, तुम्हारे बेटे के बारे में कोई खबर है? नहीं। अभी तुमने कहा था कि तुम्हें कोई कंप्लेंट लिखवानी है। कल रात को यहाँ पर एक चोर आया था सर। राधेश्याम, इनकी कंप्लेंट क्या है लिख लो। मिला गया? वो तो भाग गया साहब। वो आएगा यहाँ नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन में ही आएगा, है कि नहीं?
इसे उठाकर गाड़ी में डालो। सर मेरा गुनाह क्या है? ये सब तुम्हें पुलिस स्टेशन में बता देंगे। चलो सर, ये क्या कर रहे हैं? उसने क्या गुनाह किया है? हमने से चलो बैठो, गाड़ी में डालो इसे। मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, चल गाड़ी में बैठ, चल बैठ ना। तुम यहीं पर बैठो बेटी, मैं छुड़ा कर लाता हूं। मेरे ख्याल से इस नाम का कोई आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है। डीएसपी साहब एंटी क्राइम एस्कॉर्ट में होने की वजह से शायद एक केस वहां दर्ज हुआ होगा। आप अपना कंप्लेंट लिखवा दीजिए। नमस्ते। वैसे राजशेखर आपका दामाद है क्या? हाँ सर। शादी को कितने साल हुए? 9 साल हो गए। क्यों सर? वैसे वो किसी क्रिमिनल केस में कभी कहीं फंसा था क्या? नहीं सर, मेरे दामाद तो इतने सीधे हैं कि कभी एक चींटी को भी नहीं मारा। ठीक है, मैं इंक्वायरी करता हूँ। बता। साहब मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उन मुंबई वालों से लफड़ा मैंने नहीं किया, अनिल ने किया था। वो भी उसने जानबूझकर नहीं, जज्बात में आकर किया था। तो सच कह रहा है, मुंबई वालों से तेरा कोई लेना देना नहीं है? नहीं सर। तो लेफ्ट हैंडर है क्या? क्या सर? लिखने पढ़ने का काम बाएं हाथ से करता है क्या? जी नहीं सर। मतलब तू नहीं जानता कि लेफ्ट राइट क्या होता है। अपना नाम और पता इसमें लिख दे। मुंबई में कितने सालों तक था? मैं मुंबई कभी नहीं गया सर। पाकिस्तानी टेररिस्ट से तुम्हारा क्या लेना देना है? टेररिस्ट से? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अबे तेरी, क्या बता? तो मुंबई में रहता था ना, टेररिस्ट लोगों से तेरा संबंध भी था। अब ये सच्चाई तेरे मुंह से उगलवाऊंगा। सर, क्या है? वी गॉट दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सर। इसमें लिखा है ये केरला से बाहर गया है। ये भी लिखा है ये कुछ दिनों के लिए अपने पर्सनल काम से बाहर गया है। आई एम अहमद शाह। हाँ सॉरी, मुझे लगता है ये वो नहीं है जिसकी तलाश आपको है। ही इज अ राइट हैंडर। आई वॉन्ट टू सी हिम। यस इट्स हिम। ये है वो फाइल जिसे हमने शहर से ढूंढ निकाला है। आप चाहें तो देख सकते हैं। ये राजा के खिलाफ मुंबई पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई फाइल है। पुलिस रिकॉर्ड में 2005 नवंबर 25 को राजा पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बॉडी से मिला था 30 बुलेट। एकदम एक जैसे दो लोग। आई कांट बिलीव दिस। एनीवे आई वांट टू टॉक टू हिम। रुके, कस्टडी में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कैसे पूछताछ करना चाहिए ये पुलिस से बेहतर मैं जानता हूँ।
शाह, अहमद शाह। मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल नहीं सकती हो। मैं आपको नहीं जानता। ए, तुम मुझे जानता है और मैं तुझे। खालिद, आई एम रियली सॉरी, ये वो नहीं है। जिस राजा को मैं जानता हूं उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है। उसके बदन को हाथ लगाते ही पल भर में वो भूखा शेर बन जाता है, वैसा था राजा। जस्ट लीव हिम। अब मुश्किल है साहब। तेरे बड़े बाप लोगों को इसकी जिंदगी की कीमत चुकाकर मैं यहां पे आया हूं। सुन, चले जरा। असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। मैं जानता हूं सर, इन्हीं लोगों ने सब कुछ करवाया है। कोर्ट तक वो लोग कहां पहुंच पाते हैं, लेकिन पुलिस हो, कानून हो, गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं सब। जरा रुको, इस बात को अगर ऊपर ले जाने की कोशिश की ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, क्या समझा? मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, मैं किससे शिकायत करूंगा। जॉर्ज सर, इसे इसके घर पर छोड़ दो। कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों को गलत फहमी हुई थी, उन्हें पता चला कि मैं बेगुनाह हूं तो मुझे यहां तक छोड़ने आए, है ना सर? एक मिनट रुकिए सर, आप मेरे सगे बेटे के साथ ऐसा सलूक करते तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि वो एक गुनहगार है। उसके बदले में ही भगवान ने मुझे शेखर जैसा शरीफ दामाद दिया। इसने क्या गुनाह किया जो आप ले गए? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गुड़िया तुम सोई क्यों नहीं? पापा डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? फिर से पुलिस वाले आए तो? अब कभी पुलिस नहीं आएगी, तुम सो जाओ बेटा। तुम रोकर इसे और डरा रही हो। पहले ही कहा था कि मेरे पीछे भाग लो, मैं तो बच गया। समझ गया पुलिस की जात कैसी होती है? कौन है शेखर बेटा? मौसा आप गए नहीं? अभी तक यही है, चल भाग यहाँ से। अरे रुकिए बेटा, खानदान को बर्बाद करने वाला आसुर है ये। ऐसा मैंने क्या किया? तेरी संगत में रहकर मेरा बेटा बर्बाद हो गया। उससे तेरा जी नहीं भरा तो मेरी बेटी का घर बर्बाद करने आया? मैं तो यहाँ जीजो और बच्ची से मिलने आया था। अगर मुझसे किसी को तकलीफ है तो मैं चला जाता हूँ, कल सुबह पहली बस से चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अभी क्या, अभी जा। नहीं बाबू जी, आया है तो रहने दीजिए, किसी को आधी रात को घर से बाहर निकालना अच्छी बात नहीं। सुन छुटकी, कुछ खाने पीने के लिए बचा है तो देना, बहुत जोर से भूख लगी है। We'll be right back.
क्या हुआ? अरे अभी क्या हुआ बेटा? हुआ अंदर चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हम लोग गांव जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में आने के बाद शुरू करूंगा। ये टूटे फूटे कांच का कुछ कर देगा, कल सुबह नया मैनेजर चार्ज ले लेगा। ठीक है, संभल कर मुझे जाना। क्या करना है जीजू? गाड़ी निकाला। मेरे यहाँ आने से ही सब लफड़ा हुआ, कल रात वो लोग मारने ही आए थे। जीजू तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, तुम सेफ हो जाओगे। जेल में रहा तो मैं भी सेफ रहूंगा। बाबूजी मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हमारे सेठ का कमिश्नर से अच्छा रिश्ता है, उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, इसलिए मिलकर। शाम को जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊँ। जीजू तो जरूर आएंगे छुटकी, पर मेरा कोई भरोसा नहीं। घेर लिया हमें। जीजू, अपने आप को पीटी उषा समझकर मेरे पीछे हो लो। भागो! हाँ।
तो तू मान ही गया कि तू राजा है। जी हाँ, मैं ही हूं असली राजा। दस साल पहले मुंबई पुलिस ने राजा को खत्म कर दिया था। मैं वही राजा हूं, लेकिन आज मेरी बीवी है, बच्ची है, मन की शांति है। मेरे परिवार की सुख शांति छीनने की कोशिश तू और तेरा बॉस कभी मत करना। अगर कोशिश की तो धड़ से सर अलग कर दूंगा। मुंबई में बड़ा आदमी बनने गया था, लेकिन बन गया एक टैक्सी ड्राइवर। और एक दिन पुलिस मेरे पीछे, गाड़ी सीधा चलाओ। चलो जल्दी चलो। अरे यार जल्दी चलो, आगे से राइट, बस इधर रुको रुको। सुनो, कभी मेरे नजर के सामने आए, मुझे पंगा लेने का कोई शौक नहीं है, आप जैसे लोगों से दूर ही रहता हूँ। जा ना, लेट हुआ तो मैंने समझा कि पैसे गए हाथ से। मैं तेरे बाप की पैदाइश नहीं हूँ बे। ए तेरी तो। उन लोगों ने हमें धोखा दिया, पुलिस को पहले से खबर किया था हमारे डील के बारे में, पुलिस पहुंच गई थी वहां पे। बाल बाल बच के आ रहा हूं मैं। उस टैक्सी में मेरा बैग बदल गया। ये झूठ बोल रहा है बॉस। बहुत अच्छा काम किया साहब, आप मेरी बैग लेकर आ गए। ले देकर यही प्रॉपर्टी है मेरी। इसमें क्या है तू जानता है? कुछ भी हो मुझे क्या मतलब, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। चाहिए तो देख लीजिए। मेहनत करके कुछ बनने आया था मुंबई में, लेकिन ये बनकर रह गया। सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? राजशेखर। राजा, हमारे साथ काम करोगे? हमारे काम में थोड़ी सी बेईमानी है, लेकिन हम बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से करते हैं। मेरी ईमानदारी को देखकर उन लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ काम करने लगा।
राजा को दे। तेरी जगह तो छिन गई चंद्रू, बॉस को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है राजा। भाई का जो ड्राइवर था सिकंदर, वो बाद में मेरा ड्राइवर बन गया। उसी वक्त बंबई में बम धमाके हुए, जिससे मेरा दिल दहल गया। The three blasts disturbed the Indian city of Mumbai. इस विस्फोट में 35 लोग मारे गए हैं, तकरीबन 70 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस विस्फोट ने व्यावसायिक उपयोग और व्यापारियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। National Investigation Service from New Delhi has figured the blast and confirmed that it's... भाई और आतंकवादियों के बीच साठगांठ है, ऐसा केस फाइल करने की तैयारी शुरू की गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया पाटिल एंटी टेररिस्ट का चीफ बनकर नियुक्त हुआ। जनता की सुरक्षा के लिए कलेक्टर महेंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया। इनके पीछे कौन आने ये पता करने के लिए उसको जिंदा पकड़ना पड़ेगा सर। राजा भाई, मुंबई ब्लास्ट में चंद्रू भी जुड़ा हुआ था और उसकी आतंकवादियों से साठ गांठ है, ये बात मुझे सिकंदर भाई ने बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हाय, सी, लुक एट मी। Hi. Now I'll shoot you. Hands up. Now you shoot me. Yeah. Now see this. See. You want this? No. Would you do? No. Don't now. See. Shoot. Is it okay? Excuse me. अरे शेखर तुम, वो तो सरप्राइज। मैं कहा करती थी ना शेखर के बारे में। ओह हेलो। पर आपको चार्ज लेते हुए टीवी में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम यहाँ कहाँ रहते हो शेखर? मेरा छोटा सा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? बाय। आप उस अंकल को जानती हैं? नहीं। इस अंकल को जानती हो? नहीं। ये मम्मी के गांव वाले हैं। आपका नाम क्या है बेटी? अनु। ओ। शेखर कभी टाइम मिले तो हमारे घर आना। जरूर। ये लो मेरा कार। गेट इट। तो हम चलते हैं। जी हाँ।
सर, सर आपके साथ कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है? हमें भी प्राइवेसी की जरूरत होती है, चलता हूँ। जी सर। आतंकवादियों से सांठगांठ है ये बात मैंने वामशी सर से पूछी, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा जवाब नहीं मिला मुझे। राजा, चंद्रू के और हमारे धंधे में किसी से भी रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, अंडरस्टैंड? नया कलेक्टर सारी खबर तुम्हें दे रहा है ऐसा चंद्रू ने मुझे बताया है। हमें आपस में मतभेद हो सकता है, हमारे ग्रुप के साथ धोखाधड़ी हुआ तो फिर उस दिन सिकंदर भाई की बेटी की सालगिरह थी तो मैं केक लेकर उनके घर चला गया। भाभी जी नमस्ते। सिकंदर भाई अंदर ही है, देखो राजा भाई आए हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये केक आपके लिए, जब हम लोग आएंगे तब इसे काटेंगे। ओके, थैंक यू अंकल। बेटा, बस हम यूं गए और यूं आ जाएंगे, फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ओके, बाय। नमस्ते। नमस्ते। मैंने सीधे कलेक्टर से मिलकर ये बात बताने का फैसला किया। सॉरी सर, कलेक्टर साहब आपको मिलना चाहते हैं। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। चलिए अपने गाड़ी में चलते हैं। अच्छा जी, मैं अभी आ रहा हूँ। माँ बेटी कहाँ जा रही हैं? हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग करने? अच्छा आप लोग जाइए, मैं कलेक्टर साहब से मिलने आया। नो 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 नो, नॉट दिस, आई नीड अ डिटेल्ड रिपोर्ट, सो सेंड बैक। यस सर। सर? सर। हाँ शेखर, तुम बैठो प्लीज। तुम क्या बिजनेस करते हो? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग? कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो? फर्नीचर वगैरह। हाँ फर्नीचर। तुम्हारे बारे में मुझे विद्या ने जितना बताया था मैं उतना ही जानता हूँ। ऑफ कोर्स एक हद तक मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वो कहती है छोटी उम्र में ही शेखर मुंबई आ गया था, यहाँ आकर उसने पढ़ाई लिखाई की और बहुत कुछ किया वगैरह वगैरह। तुम्हारे बारे में उससे ज्यादा नहीं मालूम। राजा इस वक्त मेरी कस्टडी में है और वजह तुम्हें तो पता ही होगी ना राजा। कम लुक मी राजा, मुंबई पॉलिटन सिटी के चार आइडियल स्पॉट का नजारा तुम इस वक्त देख रहे हो। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इनमें से किसी एक जगह पर ब्लास्ट होने वाला है। टेल मी दैट, तुम लोगों ने कहां बम फिट कर रखा है? बम? मैंने कोई बम नहीं लगाया। राजा तुम इतने गरीब लोगों की जान के साथ क्यों खेलते हो? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? सर मैं कुछ नहीं जानता। राजा प्लीज, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जो भी करना है जल्दी करना है। पटेल उसे लेके आओ। तिवारी। इसी ने वो बम बनाया है, इसी ने फोन किया है और इसी ने तुम्हारे हाथों में भी दिया है। अब साफ साफ बताओ वो चमकीले कागज में लिपटा पैकेट तुमने कहां छुपा कर रखा है? सिकंदर भाई के घर पर बम रखा गया। माय गॉड।
सर, वो आतंकवादी कहाँ रहते हैं वो जगह मैं जानता हूं। सब पुलिस के हवाले कर दो वरना सब के सब मारे जाओगे। Everyone, check position. You are surrendered by the police. Don't try to escape. We will shoot. Hello. Turn back. What? तुम्हारे पीछे वाली बिल्डिंग पर नजर घुमा कर देखो। No. मेरी बच्ची को कुछ मत करना। हमें बचकर निकलने के लिए गाड़ी चाहिए। पुलिसिया चाल चलोगे तो तुम्हारी बेटी की खोपड़ी खोल दूंगा। Don't shoot. Come on, quick. I do. I'll arrange whatever you want. Don't move. मेरी बच्ची मुझे चाहिए। मेरी बच्ची को वापस ले आओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मैं पुलिस कस्टडी में हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटी, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। बेटी, hey, you, move back. No. बेटी. Raja was shot dead in a police encounter. The master brain behind the terrorist attack, Raja, was shot dead by police. And the gangman Chandru is absconding. Raja shot dead. सारी जनता यही समझ रही है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुंबई पुलिस के पुलिस रिकॉर्ड में कल जो पुलिस एनकाउंटर हुआ था उसमें राजा मारा गया और चंद्रू बच निकला। लेकिन मरने वाला आदमी राजा नहीं बल्कि चंद्रू है, ये बात सिर्फ हम जानते हैं। यूं समझो कि बच्ची की जान बचाने के लिए ये एक एहसान है। लेकिन एक बात, तुम दोबारा कभी भी यहाँ दिखाई मत देना। शेखर कभी मुंबई में आया ही नहीं, अपना गांव छोड़कर वो कहीं नहीं गया। ये बात ये फाइल है। उस दिन चंद्रू का नाम देकर मुझे फरार करवा दिया गया। वहां से मैं चंद्रू के घर वालों से मिलने गया।
उसके बाद चंद्रू की बहन राधा मेरी घरवाली बन गई। चंद्रू और मेरे बीच क्या हुआ ये बात ना राधा को पता थी और ना ही उसके घर वालों को। इस डॉन का नाम तो मैंने सिर्फ सुना था, आज पहली बार अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं। अगर भूल से भी मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकला हो तो आप उसे दिल से मत लगाना, मुझे माफ कर देना। मैं कौन हूं ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, और किसी को पता ना चले। हेलो राजा, पहचान ही गए होगे कि मैं वंशी बोल रहा हूं, कृष्णा वंशी। तुम ही वो राजा हो ना? ये साबित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुमसे एक छोटा सा काम है और तुम्हें आना होगा मेरे पास। मैं कभी नहीं आऊंगा। बीवी बच्चे फैमिली ये सब छोड़कर तो तुम्हारा आना बहुत मुश्किल होगा ना। वैसे इस बोझ को कम करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी ससुराल के सामने खेती वाली जमीन है, उधर 40 आदमी काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ बिहारी हैं, कुछ बंगाली और उनमें 4 मेरे आदमी हैं। जिस तरह सिकंदर की फैमिली को बर्बाद किया था ना, तेरी फैमिली को भी कर दूंगा। चलो। क्या हुआ? हमारे आदमियों में 4 लोग उनके हैं। अरे वो लोग मार्केट गए हैं। मार्केट गए? बस अभी अभी कमिश्नर से मिलने गए थे ना, क्या हुआ? हाँ, उनकी तरफ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये चाहिए? नहीं चाहिए, ले लो। नहीं, जीजा जी अपने दोस्त से मिलने गए हैं। मम्मी, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक? जो चाहिए ले लो। हाँ,
ठीक है, छोटा है मम्मी। शेखर वहाँ क्या हुआ है? छोटी मोटी लड़ाई होगी, चलो। किसने की? उससे हमें क्या लेना देना, चलो घर चलते हैं। राजा दी राजा, राजा दी राजा, राजा दी राजा। कोची में कितने दिनों तक रहना है शेखर? नया पंप है, उसे सेट करने के लिए मुझे खुद रुकना पड़ेगा। हाँ। सब सेट होते ही आ जाऊंगा, चलो बाय गुड़िया। बाय पापा। वंशी ने मुझसे कहा कि हमारे आदमियों में 3-4 आदमी उसके मिले हुए हैं। मेरे आने तक इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। इनके शरीर पर खरोंच डालने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा। ज्यादा बातें मत करो। क्या जीजू, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वैसे आप जा कहाँ रहे? मुंबई। बॉस के सामने कैसे बैठते हैं, शायद भूल गया। जल्दी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? 10 साल पहले तुम और तुम्हारे दोस्त महेंद्र वर्मा ने मेरे धंधों के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, याद है? मुझे तुमसे उसका पुराना हिसाब सूद समेत चुकाना है। बीते हुए 10 साल हम लोग जेल में सिर्फ यही उम्मीद लेकर सड़ते रहे, कलेक्टर से बदला चुकाना है, यही हमारा मकसद है। आजकल कलेक्टर बहुत ऊंची मुकाम पे है, वो इस वक्त तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी है। अपनी बच्ची की शादी की तैयारी के लिए 1 महीने के लिए कोयम्बतूर आया है। सेंट्रल मिनिस्ट्री से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिला है। उसको जान से मारना है। एक प्रोफेशनल किलर जो काम नहीं कर सकता, इसलिए काम तुमको करना है। तुम दोनों में पुराना रिलेशन होने की वजह से तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम लोगों के इस वक्त दो ही दुश्मन हैं, एक मैं, दूसरा चीफ सेक्रेटरी। मेरे हाथों चीफ सेक्रेटरी को मरवाओगे और उनकी सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुझे मरवाओगे। ब्रिलियंट गेम। वहां से बच के निकलना तुम्हारा जिम्मा होगा। अगर मैंने नहीं किया तो? तू करेगा, क्योंकि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो। खालिद, गन उठाए हुए बरसों गुजर गए, प्रैक्टिस किए बिना तू सही निशाना नहीं लगा सकता। हाँ
इंडियन मिलिट्री की वहां पर सिक्योरिटी है। चीफ सेक्रेटरी जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हैं वहां पर कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता। मैं खड़े खड़े अरेस्ट हो जाऊंगा। जो हथियार मुझे चाहिए उसका इंतजाम मैं खुद करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मौत के मुंह में चीफ सेक्रेटरी नहीं जाएगा। दस साल के बाद राजा राजा ही है। Once a king is always a king. Sir, yes. A man has come to see you, but he has not taken any appointment, sir. He is a Malayali. Okay, let me see. Sir, he is the person. Raja, I know him. Let him in. विद्या आजकल आती नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो कल मैं विद्या जरा यहाँ आओ। वन मिनट। आओ आओ। आपने मुझे पहचान लिया? बिल्कुल, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। उम्मीद नहीं थी कि तुमसे दोबारा मिलूंगा। 10 साल का लंबा समय बीत गया। वैसे तुम काफी बदल गए हो। हाँ विद्या, बच्ची को बुलाओ। जी बेटी। ये तो जैसे एक सरप्राइज हो गया। यहाँ तक कैसे पहुंचे तुम? यहाँ एक बिजनेस के सिलसिले में आया था। हाँ। तब पता चला कि आप यहाँ हैं, इसलिए सोचा आपसे मिलता। हाँ। चलो आओ आओ। इसे पहचाना क्या? आपकी बेटी है। बेटी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। नेक्स्ट वीक इसकी एंगेजमेंट है। ओहो। आशीर्वाद लो बेटी। अरे बस बस बेटी। हमारी सारी धन दौलत और खुशी अब हमारी बेटी ही है। हम किसी के कर्जदार हैं तो वो तुम हो। ऐसी बात मत कीजिए सर। सच तो ये है कि मैं आपका कर्जदार हूँ। गलत रास्ते से हटाकर मुझे सही रास्ते पर लाकर एक नई जिंदगी दी है सर आपने। आज मेरा परिवार है, पत्नी है, बेटी है। वो लोग कहाँ पर हैं? गांव में है सर। गरीब परिवार की लड़की है। मेरे अतीत के बारे में उसे कुछ नहीं पता। कभी बताना भी मत, वो एक गुजरा हुआ चैप्टर है। बच्ची के एंगेजमेंट तक तुम यही रहोगे ना? रहना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जाकर उनको ले आता हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के पास कौन सा पुलिस स्टेशन है? पुलिस उन्हें यहाँ तक सही सलामत ले आएगी। चितूर पुलिस स्टेशन, वहाँ के DSP को मेरा घर पता है। अरे मौसा, मौसा जी भागो, पुलिस पुलिस आ रही है। पुलिस? छुटके पुलिस। अनिल भैया, शेखर का फोन आया था। कोच्चि से? नहीं, कोयम्बटूर से। शेखर के दोस्त चीफ सेक्रेटरी हैं और उनके घर हमें तुरंत पहुँचने के लिए कहा है। पुलिस तो यही आ रही है हमें ले जाने के लिए। हमें ले जाने के लिए? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम तैयार हो जाओ। मैं जाकर आती हूँ। क्या कराओ बेटी? नाना जी से आशीर्वाद लो। मैं आती हूँ नाना जी। जाकर जल्दी आ जाना। मौसा जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कैसे हैं सर? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जीप में बैठ जाऊं? राजा चीफ सेक्रेटरी को कैसे जानता है? मेरे जीजू और चीफ सेक्रेटरी ने एक साथ IAS की तैयारी की थी। मेरे जीजू तो हार गए लेकिन वो जीत गए। ठीक है, जा बैठ जा। जी बिल्कुल। इधर बैठ जा। नहीं, आगे बैठूंगा। ऊपर वाले, यहाँ तक तो तुम्हारी दया से जान बची हुई है, आगे भी रक्षा करना। इसका बैग लो सर। गाड़ी में बैग सर। प्लीज गेट इन। गेट इन। पापा। नमस्ते। 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 गुड़िया, तुम जानती हो ये लोग कौन है? पापा, ये आंटी हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आई थी। ओ दुर्गा, बहुत ही प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छा गाना गाती है। चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। आइए। क्या हो रहा है?
काबू में रहो। एक्सक्यूज मी, डीवाईएसपी पावलोस पोतन इज वेटिंग फॉर यू। ओह कम। गुड मॉर्निंग सर, आप अभी तक गए नहीं? वो क्या है ना, मुझसे गलती हो गई थी और मैंने गलत फहमी में पुरानी बातों को भूल जाइए ना। ये बात मैं नहीं जानता क्या? बड़े ऑफिसर आपसे जो कहेंगे आपको करना ही पड़ेगा। वैसे आप मुझे नहीं जानते थे, मैं सारी बातें अपने दिल में दबा कर रखता था, कुछ भी नहीं बोलता, अवसर मिलने पर कर्ज चुका देता हूँ, वो भी सूद समेत। आप जाइए सर। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द। राजा बोल रहा हूँ। या टेल मी राजा, तू सुरक्षित बाहर निकल गया है क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बीवी, मेरी बच्ची सब सुरक्षित है। क्या सोचा तुमने, तुम्हारे डर से मैं काम करूंगा क्या? मैं यहां उसे मारने नहीं, बचाने के लिए आया हूं। तुम्हारे या तुम्हारे चमचों का साया तक उस आदमी के करीब भटकने तक नहीं दूंगा मिस्टर कृष्णा वंशी। जॉन टाइगर पैसे के लिए वो कुछ भी करेगा, वो इस वक्त होटल ली मेरेडियन में है। This is Mahendra Verma and he is Raja. See, there will be big ceremony happening tomorrow. The ring exchange ceremony of Mahendra Verma's daughter. Both of them will be there. I hope you got it. हाँ, बोलिए सिकंदर भाई। मुंबई से एक इन्फॉर्मेशन है। चीफ सेक्रेटरी को मारने के लिए वंशी और शाह ने मिलकर एक प्रोफेशनल किलर को सुपारी दी है। उसका नाम है जॉन टाइगर। काफी खतरनाक है वो। सो सगाई के फंक्शन पर जरा केयरफुल रहना। मुझे बाहर का पूरा फुटेज दिखाओ। स्लो करना, स्लो करना। इसे अच्छी तरह चेक कर लेना, ठीक है? क्या हुआ शिखर, क्या बात है?
हुआ था शेखर? कुछ नहीं सर। गुड नाइट। गुड नाइट। आप तो बड़े कमाल के निकले जीजू, क्या सफाई दिखाई आपने। गवाह कौन है? मैं नहीं हूं। राजा, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। तुम लोगों का भेजा हुआ इंटरनेशनल प्रोफेशनल किलर जॉन टाइगर अभी 10 मिनट पहले चीफ सेक्रेटरी के गेस्ट हाउस के पास मारा गया विद नो एविडेंस। उसके मृत शरीर को गेस्ट हाउस के ड्रेनेज में बहा दिया। यहां से ठीक 5 किलोमीटर साउथ साइड जाएंगे, वहां पर एक ड्रेनेज ब्लॉक है, बॉडी चाहिए तो वहां से कलेक्ट कर लो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जीजू, आप सच में राजा है, राजाओं के राजा है। आपकी घड़ी। सर, यस, ये फाइल में साइन करना। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। बताओ कहाँ करना। मंदिर बंद होने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। सर कहाँ जा रहे हैं? कुलदेवता के मंदिर में। वो कहाँ है? शहर के बाहर 25 किलोमीटर की दूरी पे। इनके साथ सिक्योरिटी नहीं है? पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया? नहीं, मंदिर जाते समय कौन सी सिक्योरिटी। नहीं सर, ऐसी बात मत कीजिए, दुश्मन बहुत है। मेरा कौन दुश्मन है, बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा। अच्छा चलता हूँ। जी सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ मंदिर। बचपन में जब मैंने होश संभाला था ना, मेरी माँ मुझे यहाँ लाया करती थी। तब किसी पंडित ने मेरी माँ को बताया था कि मैं पूरे 100 साल जीऊंगा। अब भी मुझे ये बात याद आती है। भगवान का नाम आते ही सबसे पहले कुल देवता की याद आती है। उस दिन जब मेरी बेटी की जान मुसीबत में थी, तब भी मैंने इस कुल देवता की ही प्रार्थना की थी। अब मेरी बेटी की शादी है तो मैं सोचता हूँ उसका प्रोग्राम भी यहीं पर करवाऊं। यहाँ पर? लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? यहाँ कोई मुझे गोली मार देगा क्या? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किए। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची भी है तो वो सरकारी कामकाज से। सरकार हमें हुक्म देती है, हम तो हुक्म की तामील करते हैं। सही है। भगवान की दया से मेरी जिंदगी में कोई कमी है तो वो है दुश्मनों की। हाँ सिकंदर भाई, कृष्णवंशी कोयम्बतूर पहुंच गया है, होटल सिटी पार्क में ठहरा हुआ है। भाई कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, वरना वो खुद यहाँ नहीं आता। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। राधा, राधा, वो सब बाहर चला गया। बाहर कहाँ? वो लोग तो शॉपिंग करने के लिए गया है। हाँ जीजू। कहाँ तुम लोग? हम लोग इस वक्त मॉल में हैं। तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं? मैंने कितनी बार समझाया, बिना मतलब बाहर मत जाना, समझते ही नहीं हो तुम लोग। मैं साथ में आया हूँ ना जीजू, आप टेंशन मत लो, मैं सबको सही सलामत घर ले आऊंगा। तुम लोग वहीं रुको, मैं बस आ ही रहा हूँ। जी Thank you.
आवाज निकाला तो गोली मार दूंगा। सिर्फ तुमको ही नहीं, तुम्हारे साथ जो आए हैं ना उनको भी उड़ा दूंगा। चुपचाप चल। उधर देख। चल राजा को फोन कर। अनिल बोलो। जीजू यहाँ लफड़ा हो गया, इन लोगों ने हमें कवर कर लिया है, हमें बचा लो जीजू। हेलो कृष्णा वंशी। सर मेरे परिवार को कुछ मत करना सर, वो मेरे लिए सब कुछ है, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तेरी फैमिली को तो मैं छोड़ ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तेरे चीफ सेक्रेटरी की जान चाहिए। वो इस वक्त गेस्ट हाउस में अकेला ही है ना, वक्त बहुत कम है। अरे तुम अचानक कहां चले गए थे? क्या बात है शिखर? जब मैंने आपसे कहा कि आपके दुश्मन हैं, तो आपने यकीन नहीं किया। कृष्णा वंशी और उसके साथियों ने जेल से निकलने के बाद आपको मारने के लिए मुझे चुना। मैं यहां आपसे मिलने नहीं आया, बल्कि मारने आया। मेरे बीवी बच्चों को मार देगा ये धमकी देकर आपको मारने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। सर मेरे बीवी बच्चे यहां सुरक्षित रहेंगे, यही सोचकर आपको बचाने का इरादा किया, लेकिन अभी मेरे बीवी बच्चे आपके बीवी बच्चे उन लोगों की कस्टडी में, मैं कुछ नहीं कर सकता। खून खराबे की जिंदगी से आपने मुझे बाहर निकाला, एक नई जिंदगी दी। आज मेरा परिवार है सिर्फ आपकी वजह से। मैं किसको बचाऊं, अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले परिवार को या फिर आपको जो मेरे लिए भगवान समान है? आप ही बताइए सर मैं क्या करूं। जैसे तू अपने परिवार को जान से ज्यादा चाहता है, वैसे ही मैं तुम्हें चाहता हूं। उन्हें फोन करके कहो मुझे जिंदा उनके हवाले कर रहे हो और वो मुझे मारे।
क्या चीफ सेक्रेटरी मारा गया? नहीं, मैं उन्हें मार नहीं सकता। आप जगह बताइए, मैं उन्हें वहां लेकर आता हूं। ठीक है, शाह तुझे फोन करेगा। ओके। हेलो, एयरपोर्ट के पास सेंट्रल बिल्डिंग के बैक साइड में पुराना एक ब्रिटिश क्लब है। चीफ सेक्रेटरी को वहां लेकर आओ। कृष्णवंशी एक घंटे में वहां पहुंच जाएगा। चीफ सेक्रेटरी को लेकर पहुंचने में तुम्हें 45 मिनट लगेंगे। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, किया तो तू जानता है, तेरे पूरे खानदान को हम लेकर जाएंगे, समझा? Get out of here, get out of! Clear out of here! Get out! Out! मार के आता तो ज्यादा अच्छा होता, फिर से पुराना राजा बन जाता। आजकल परिवार का प्यार ऐसा करने से रोक रहा है, मैं समझता हूं। जो भी हो, तुमने अपना काम किया। फैमिली सेफ है या नहीं फोन करके पूछ लो। हेलो, हाँ जी जी, उन लोगों ने हमें छोड़ दिया है। हम लोग चीफ सेक्रेटरी के घर जा रहे हैं। हमने जो कहा था वो काम तुमने पूरा किया, और जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया। अब हम चीफ सेक्रेटरी को फूलों से सजाएंगे, समझे? अब तुम जा सकते हो। ए कम ऑन, चलो
सत्या, वंशी साहब को फोन लगाओ, वो आने वाले थे, अभी तक क्यों नहीं आए? पर ज्यादा जोर मत दो, ये तुम्हारे बॉस का ही फोन है। वंशी सर अब कभी फोन नहीं उठाएंगे। वंशी सर ब्रिटिश क्लब में एक घंटे में पहुंचेंगे, ये तुम्ही ने कहा था, याद है ना? सर बहुत जी लिए, अगर आप जिंदा रहे तो मेरी जिंदगी का सुकून छिन जाएगा। अच्छा, अब आपको फोन की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऊपर भेजने का बीड़ा सिकंदर भाई ने उठाया है, परिवार का बदला लेना चाहते हैं। Yeah!
उस दिन मैंने ईमानदारी दिखाई थी, लेकिन मेरी ईमानदारी का तुम लोगों ने फायदा उठाया था। लेकिन आज मेरी ईमानदारी मेरे देश के प्रति है, मेरे परिवार के प्रति। तुम में से कोई भी जिंदा बच गया तो मेरे परिवार के लिए या सर के लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए वंशी साहब का साथ देने तुझे मैं उसके पास भिजवा देता हूं। फूटो यहां। आपके पुराने दुश्मन आपको चोट पहुंचा रहे थे, तो आपकी सिक्योरिटी ने उन्हें गोलियों से भून डाला। केस क्लोज्ड। अरे मर गया जीजू। हमारे केदार को बाहर कुछ लोग मार रहे हैं, जाकर देखो ना। क्या हुआ? ये उनका आपस का लफड़ा है, हम सरदर्द क्यों ले? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरे, उस दिन तो तुमने इनकी यही एक बुरी आदत है, जहाँ मारपीट होती है वो उस एरिया में जाते तक नहीं।